नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिख साम्राज्य, और आज दोस्तों इस टॉपिक में हम लोग सिख साम्राज्य के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस पे नए हैं तो दोस्तों आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आप लोग को दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, गुरु नानक जी का जन्म जो है दोस्तों, जन्म स्थान वो कौन सा था। तो दोस्तों गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है, जैसे कि आप लोग ऑप्शन में देख रहे हैं, ये है आपका तलवंडी। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं दोस्तों, फिलहाल आपको इसके बारे थोड़ा सा इनके बारे में बता देते हैं कि गुरु नानक जी जो हैं दोस्तों सिखों के प्रथम गुरु जी थे। ठीक है, गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु जी थे। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी पाकिस्तान नामक गाँव में कार्तिक पूर्णिमा के खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। ठीक है, और गुरु नानक एक दार्शनिक, धर्म सुधारक और समाज सुधारक और सच्चे देशभक्त भी थे। फिलहाल अब चलते हैं दोस्तों, फिलहाल क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आइए, देखते हैं इसमें क्या है। खालसा की स्थापना दोस्तों किसने की, हर राय जी ने की, हर किशन जी ने की, गोविंद सिंह जी ने की, या फिर दोस्तों तेग बहादुर जी ने की। तो फिलहाल आप लोगों को बताना है कि खालसा की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका गुरु गोविंद सिंह। आइए थोड़ा सा आपको बता देते हैं, खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी को वैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की थी। और दोस्तों आपको बताएं, इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम पांच प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा बनाया था, तथा इसके बाद उन्होंने पांच प्यारों के हाथों से स्वयं भी अमृत पान किया, और इसी दिन खालसे के नाम से पीछे सिंह लग गया। तो सद्गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा महिमा में जो है दोस्तों, आपको बता दें खालसा को काल पुरख की फौज पद से नवाजा गया। और यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप सभी लोगों के लिए कि गुरु गोविंद सिंह जी को जो है संत सिपाही भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी को है दोस्तों क्या कहा जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह जी को सत सिपाही कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा महिमा में खालसा को काल पुरख का फौज पद से नवाजा भी गया था इनको। ठीक है, तो काल पुरख की फौज का पद से इनको नवाजा गया था। ठीक है, अब चलते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, देखिए क्या है। सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था तो वो कौन है, गुरु हर राय जी हैं, गुरु हरकिशन जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, या फिर गुरु तेग बहादुर जी हैं। तो दोस्तों आप लोग को बता दें, सिख गुरु जिन्होंने जो है जफरनामा को फारसी में लिखा था, इनका नाम है दोस्तों आपको बता दें, ये हैं गुरु गोविंद सिंह जी। आइए थोड़ा सा फिर से आपको इनके बारे में बता देते हैं। जफरनामा अर्थात होता है विजय पत्र। ठीक है, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को 1705 ईस्वी में लिखा गया था। जफरनामा दसम ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी थी। निःसंदेह गुरु गोविंद सिंह जी का यह पत्र आध्यात्मिकता, कूटनीति तथा शौर्य का अद्भुत मिश्रण भी है। अब बात करते हैं फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आप लोग का क्या है। सिख गुरु जिसने बाबर की आत्मकथा को लिखा था दोस्तों, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है गुरु अंगद देव। ठीक है, तो वो दोस्तों कौन से गुरु हैं, ये आप लोग के गुरु अंगद देव जिन्होंने बाबर की आत्मकथा को लिखा था। ठीक है, नाम है दोस्तों गुरु अंगद देव। ठीक है, उन्होंने दोस्तों जो है 63 श्लोकों की रचना की थी जो गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। इसके अलावा इन्होंने गुरु नानक साहिब जी के द्वारा चलाई गई गुरु की लंगर की प्रथा को सशक्त तथा प्रभावी बनाया। अगर दोस्तों क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि गुरु का लंगर की प्रथा को शुरुआत किसने की, तो दोस्तों ये शुरुआत की है यहाँ पर गुरु अंगद देव जी ने। ठीक है, गुरु नानक साहिब जी के द्वारा चलाई गई गुरु के लंगर प्रथा को जो है दोस्तों सशक्त और प्रभावी अगर बनाया है तो किन्होंने बनाया, तो ये बनाया है गुरु अंगद देव जी ने। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, देखिए दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या, देखिए ध्यान से आपका दोस्तों देखिए क्या है फिफ्थ क्वेश्चन में। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक की बात करें तो ये थे महाराजा रणजीत सिंह जी। स्वतंत्र सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह थे,
और इस सिख राज्य को सरकारे खालसा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? इनको जाना जाता था सरकारे खालसा के नाम से जाना जाता था। महाराजा रणजीत सिंह ने खालसा के सिद्धांतों पर एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष हुकूमत की स्थापना की थी, जिसकी आधार भूमि पंजाब थी, और उन्होंने छोटे सिख मिसलों को भी जो है दोस्तों एकत्रित करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी की थी। ठीक है, उन्होंने छोटे सिख की नस्लों को यहाँ पर जो है मिसलों को एकत्रित करा और वहाँ पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी की थी। फिलहाल अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के, देखिए क्या आप लोग का 6 क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से अंतिम सिख गुरु कौन थे? तो दोस्तों सिखों के जो अंतिम गुरु थे उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, कौन थे दोस्तों? ये थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी को सिखों का 10वां व अंतिम गुरु जी कहा जाता है। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया और उसे गुरु के रूप में सुशोभित किया। विचित्र नाटक को उसकी आत्मकथा माना जाता है एवं यही उनके जीवन की विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुओं के बनने की चली आ रही परंपरा को समाप्त किया। क्योंकि यह वंशानुगत हो गया था इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसा दोस्तों इसीलिए हुआ। क्लियर इतनी बात सभी के? ओके, चलिए फिलहाल दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए आप लोग का क्या है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। कब की थी? तो ये की थी 1699 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना जो है किसने की, तो नाम याद रखिएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी। और ये कब की गई? तो ये की गई फिलहाल 1699 में। अकाल तख्त जो है दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? अकाल तख्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सिख धर्म से आप लोगों के लिए। अकाल तख्त जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था गुरु हरगोविंद सिंह जी के टाइम में। और आपको बता दें अकाल तख्त जो है 5 तख्तों में से पहला तख्त है। इसे सिखों के छठे गुरु गोविंद हरगोविंद सिंह जी ने न्याय संबंधी और सांसारिक मामलों पर विचार करने के लिए स्थापित किया था। इस तख्त पर बैठने वाले जत्थेदार को सिखों का सर्वोच्च प्रवक्ता माना जाता है। और वर्तमान जत्थेदार जो थे ज्ञानी गुरबचन सिंह खालसा हैं। सन 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत अकाल तख्त और हरिमंदर साहिब को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया गया था। ठीक है, नाम क्या था दोस्तों उस ऑपरेशन का? ये था ब्लू स्टार। फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की। देखिए दोस्तों आप लोग का फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी था ये दोस्तों थे, इनका नाम है गुरु अंगद जी। ठीक है, तो गुरु नानक दोस्तों सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे एवं उनके उत्तराधिकारी थे दोस्तों गुरु अंगद देव, जो कि दूसरे गुरु बने थे सिखों के। क्लियर है ना इतनी बात? तो दोस्तों सिखों के आपके बता दें टोटल 10 गुरु रहे हैं। उनके क्या क्या नाम है देखिए आप लोग। बिल्कुल, मैंने यहाँ पर सारे गुरु जी के नाम ले लिए हैं। सबसे पहले गुरु थे सिखों के गुरु नानक देव जी, जिनका कार्यकाल है 1469 से लेकर 1538 तक। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव जी और इनका जो टाइम है वह 1538 से 1552। तीसरे गुरु हैं दोस्तों गुरु अमरदास जी, जिनका दोस्तों टाइमिंग है 1552 से 1574। ठीक है ना। चौथे गुरु हैं दोस्तों गुरु रामदास जी, जिनका टाइम है दोस्तों 1574 से 1581। पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी और इनका टाइमिंग है जो कार्यकाल है वो है 1581 से 1606। छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी और जिनका टाइमिंग है कार्यकाल है जो दोस्तों वो है 1606 से 1645। गुरु हरिराय जी जे हैं दोस्तों आप लोग के 1645 से 1651 1661 तक। और गुरु हरकिशन जी, इनका दोस्तों टाइमिंग है वो है 1661 से 1664, यानी कि ये जो है आप लोग के सिर्फ 3 साल रहे। और गुरु तेग बहादुर जी तो दोस्तों ये हैं 1664 से 1675। और अगले नेक्स्ट लास्ट में दोस्तों बिल्कुल जो सिखों के 10वें गुरु थे तो ये थे 1675 से 1708। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पर सिख धर्म के आपको 10ों गुरुओं जी के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, आप लोग इनको बिल्कुल ऐसे ही याद कर लीजिएगा। इससे आप लोग को ये फायदा मिल जाएगा अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाता है सिखों के 5वें गुरु कौन से थे, सिखों के 6ठे गुरु कौन से थे, सिखों के 7वें गुरु कौन से थे, 8वें 9वें कोई भी पूछ लिया जाएगा। अगर आपको इस सीरियल याद है तो आप लोग के कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग, नानक अंगद अमर राम अर्जुन हर हरे राय हर किशन तेग गोविंद। ठीक है, आप लोग कोई भी एक ट्रिक बना लीजिएगा और उससे आप लोग इन 10ों गुरु जी के नाम को याद रखिएगा। फिलहाल अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th के। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, सिख धर्म की पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है आपका सबसे लास्ट वाला ऑप्शन गुरु ग्रंथ साहिब जी। ठीक है,
तो आदि ग्रंथ जो है सिख संप्रदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आदि ग्रंथ कई बार ऑप्शन में आदि ग्रंथ आ जाता है, ठीक है। तो आदि ग्रंथ जो है सिख संप्रदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, इसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब का जो अन्य नाम है वो है आदि ग्रंथ, जो कि सिख संप्रदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इसका संपादन सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाशन दोस्तों था 16 अगस्त 1604 को हरिमंदर साहिब अमृतसर में हुआ था। सन 1705 में दमदमा साहिब ने 10 मेष पिता गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्दों को जोड़कर इसको पूरा किया। इसमें कुल 1430 पन्ने हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में मात्र सिख गुरुओं के उपदेशों को ही नहीं, बल्कि 30 अन्य हिंदू संत और अलग अलग धर्म के संतों की वाणी भी सम्मिलित की गई है। फिलहाल अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों का क्या है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने जो है अमृतसर शहर की स्थापना की। दोस्तों अमृतसर की जो स्थापना की है, इन गुरु का नाम है गुरु रामदास जी। तो गुरु रामदास जी ने जो है अमृतसर शहर की स्थापना की थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये थे सिखों के चौथे गुरु रामदास जी, और इन्होंने 1577 ईस्वी में अकबर द्वारा दिए 500 बीघा जमीन में अमृतसर शहर की नींव रखी थी। अमृतसर में ही सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो कि स्वर्ण मंदिर स्थित है, और यह दोस्तों शुरू में गुरु रामदास का डेरा हुआ करता था, ठीक है ना। अब चलते हैं फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की, और देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में, किस सिख गुरु ने जफरनामा को फारसी में लिखा था। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि दोस्तों वो कौन से गुरु हैं जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था। तो फिलहाल आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों फिलहाल आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए दोस्तों आप लोग का 13 क्वेश्चन क्या है, खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने कब की थी। तो दोस्तों ये भी आपको बताया था मैंने अभी आपको, ये की थी 1699 में। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा तो आप सभी को पता भी होगा। ये रिपीट इसलिए हुआ क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, तो इसलिए रिपीट हो गया। मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था। फिलहाल जितने भी क्वेश्चन मैंने आज सिख धर्म से रिलेटेड आप सभी को बताएं, आप लोग इनको एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग के पास भी सिख धर्म के कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके पार्ट सेकेंड में दोस्तों क्या है, सिख धर्म के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाएंगे। फिलहाल मेरे दोस्तों नज़र में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सिख धर्म साम्राज्य से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं अब आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।